नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नई सरकारी भर्ती की इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए दोस्तों मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आप इंडिया के सभी राज्यों से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपका सपना है सरकारी नौकरी करने का और यदि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें दोस्तों परमानेंट पोस्ट की भर्ती है। दोस्तों, आज की भर्ती में सैलरी भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी और इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की रियल व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आज की भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती का लोकेशन क्या है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज, आगे बढ़ेंगे। जैसे बताया दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और नई सरकारी विभाग की भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आप इंडिया के सभी राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे। मेल तथा फीमेल दोनों ही दोस्तों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की भर्ती में सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आपको केंद्रीय सैलरी मिलेगी, सेवन सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको एज पर रूल सैलरी दी जाएगी। फीस की बात करें तो आज की भर्ती में कैटेगरीज वाइज फीस है 250 रुपये से लेके 500 रुपये। फीस का पेमेंट दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका एग्ज़ाम तथा स्किल टेस्ट के बेसिस पे पोस्ट वाइज सिलेक्शन किया जाएगा। और अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। डेट्स की बात करें तो आज की डेट से इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई 2023। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में किस किस पोस्ट की भर्ती है। तो गाइज, इसमें भर्ती हो रही है जूनियर असिस्टेंट की, ड्राइवर की, स्टाफ नर्स की, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की, जूनियर इंजीनियर के वेरियस डिसिप्लिन की, जूनियर टेक्नीशियन की, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की एंड अदर पोस्ट की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वे अप्लाई कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और उनके पास डिप्लोमा दोस्तों, या जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है या मास्टर डिग्री कर रखी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो वे अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें, इस भर्ती के लिए 18 साल से 25 साल तथा 30 साल तक आयु वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आपको दोस्तों मैं भर्ती की नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इसका लिंक मैंने दे रखा है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए भी लिंक दे रखा है। तो चलिए अब बात करेंगे इस भर्ती के लोकेशन के बारे में। तो आपको पहले बता दूँ, ये भर्ती है शिक्षा मंत्रालय की, शिक्षा विभाग की, भारत सरकार की, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IIT खड़गपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो गाइज, ये था आज की भर्ती का शॉर्ट डिटेल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।